हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं मकसूद शेख। वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन, 2a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी होल क्यूब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन दोनों फार्मूले का। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले का, a प्लस बी होल क्यूब। फार्मूले के जो टर्म है a और b, इन्हें क्वेश्चन के टर्म से मैप कर लेंगे। 2a होगा a और b होगा b। अब इन्हें फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a क्यूब की जगह लिखेंगे 2a होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर। a की वैल्यू है 2a, लिखेंगे 2a होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, b की वैल्यू है b प्लस 3 मल्टीप्लाई a, a की वैल्यू है 2a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, b की वैल्यू है b, लिखेंगे b स्क्वायर प्लस b क्यूब, b की वैल्यू है b तो लिखेंगे b क्यूब। दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन है माइनस की, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। सेकेंड ब्रैकेट को शुरू करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का, a माइनस बी होल क्यूब। फॉर्मूले के जो टर्म है a और b, इन्हें क्वेश्चन के टर्म से मैप कर लेंगे। 2a होगा a और b होगा b। अब इन्हें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a क्यूब की जगह लिखेंगे 2a होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर। a की वैल्यू है 2a, लिखेंगे 2a होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, b की वैल्यू है b प्लस 3 मल्टीप्लाई a, a की वैल्यू है 2a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, b की वैल्यू है b तो लिखेंगे b स्क्वायर माइनस b क्यूब, b की वैल्यू है b तो लिखेंगे b क्यूब। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 2a होल क्यूब को सॉल्व करेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। इसी तरह a को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो हमें मिलेगा a क्यूब प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को लिखेंगे एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2a होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 2 टू ज़ा 4। इसी तरह a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2a होगा 6a, 6a को मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर से तो हमें मिलेगा 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब को लिखेंगे एज इट इज़ माइनस। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2a होल क्यूब को सॉल्व करेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। इसी तरह a को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो हमें मिलेगा a क्यूब माइनस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को लिखेंगे एज इट इज़ मल्टीप्लाई 2a होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 2 टू ज़ा 4। इसी तरह a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2a होगा 6a, 6a को मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर से तो हमें मिलेगा 6ab स्क्वायर माइनस b क्यूब को लिखेंगे एज इट इज़। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, 8a क्यूब को लिखेंगे एज इट इज़ प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर होगा 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो हमें मिलेगा 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर को लिखेंगे एज इट इज़ प्लस b क्यूब को लिखेंगे एज इट इज़ माइनस। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 8a क्यूब को लिखेंगे एज इट इज़ माइनस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर होगा 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो हमें मिलेगा 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर को लिखेंगे एज इट इज़ माइनस b क्यूब को लिखेंगे एज इट इज़। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, अब हमें इस स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो इस फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे एज इट इज़, 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस की, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर के टर्म से, तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, यानी प्लस हो जाएंगे माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। अब इसे समझते हैं, यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस 8a³ से माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो हमें आंसर मिलेगा माइनस 8a³। इसी तरह माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12a²b से, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, हमें आंसर मिलेगा प्लस 12a²b। इसी तरह माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6ab² से, तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, हमें आंसर मिलेगा माइनस 6ab². इसी तरह माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी क्यूब से, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, हमें आंसर मिलेगा प्लस बी क्यूब। अब हमें ऐसे सेम टर्म फाइंड करने हैं जिनके साइन अपोजिट है, ऐसे सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो ये है प्लस 8a³ और ये है माइनस 8a³, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये है प्लस 6ab² और ये है माइनस 6ab², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचे हुए टर्म्स को हम ऐड करेंगे, ये है प्लस 12a² b और ये है प्लस 12a²b, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24a²b। इसी तरह प्लस बी क्यूब और इस प्लस बी क्यूब को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा प्लस 2b³। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, 3r-2k³ प्लस 3r+2k³। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन दोनों फॉर्मूले का। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का, a-b³। फॉर्मूले के जो टर्म है a और b, इन्हें क्वेश्चन के टर्म से मैप कर लेंगे। 3r होगा a और 2k होगा b। अब इन्हें फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, ए क्यूब की जगह लिखेंगे 3r³ माइनस 3 × a², a की वैल्यू है 3r, तो लिखेंगे 3r² मल्टीप्लाई बाय बी, बी की वैल्यू है 2k, प्लस 3 × a, ए की वैल्यू है 3r, मल्टीप्लाई b² बी की वैल्यू है 2k, तो लिखेंगे यहाँ पर 2k² माइनस बी क्यूब, बी की वैल्यू है 2k, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2k³। दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन है प्लस की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। सेकेंड ब्रैकेट को शुरू करने से पहले लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का, a+b³। फॉर्मूले के जो टर्म है a और b, इन्हें क्वेश्चन के टर्म से मैप कर लेंगे। 3r होगा a और 2k होगा b। अब इन्हें फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, ए क्यूब की जगह लिखेंगे 3r³ प्लस 3 × a², ए की वैल्यू है 3r, तो लिखेंगे 3r² मल्टीप्लाई बाय बी, बी की वैल्यू है 2k, प्लस 3 × a, ए की वैल्यू है 3r, मल्टीप्लाई बाय b² बी की वैल्यू है 2k, तो लिखेंगे 2k² प्लस बी क्यूब, बी की वैल्यू है 2k, तो लिखेंगे यहाँ पर 2k³। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 3r³ को सॉल्व करेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। इसी तरह r को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो हमें मिलेगा r³ माइनस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को लिखेंगे एज इट इज मल्टीप्लाई, 3r² को सॉल्व करेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 3 × 3 = 9। इसी तरह r को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा r² मल्टीप्लाई, 2k को लिखेंगे एज इट इज प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9r मल्टीप्लाई 2k² को सॉल्व करेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 2 × 2 = 4। इसी तरह k को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा k² माइनस 2k³ को सॉल्व करेंगे, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इसी तरह k को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो हमें मिलेगा k³ प्लस। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3r³ को सॉल्व करेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। इसी तरह r को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो हमें मिलेगा r³ प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को लिखेंगे एज इट इज मल्टीप्लाई, 3r² को सॉल्व करेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 3 × 3 = 9, r को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा r² मल्टीप्लाई, 2k को लिखेंगे एज इट इज प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3r होगा 9r
मल्टीप्लाई टू के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू टाइम्स, टू टू ज़ा फोर। इसी तरह के को मल्टीप्लाई करेंगे टू टाइम्स तो हमें मिलेगा के स्क्वायर प्लस टू को टू के होल क्यूब को सॉल्व करेंगे, यानी टू को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टाइम्स, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट। इसी तरह के को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टाइम्स तो हमें मिलेगा के क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे 27 आर क्यूब को लिखेंगे एज इट इज़ माइनस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 9 आर स्क्वायर होगा 27 आर स्क्वायर, 27 आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के से तो हमें आंसर मिलेगा 54 आर स्क्वायर के प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 9 आर मल्टीप्लाई 4 के स्क्वायर होगा 36, 36 आर के स्क्वायर माइनस 8 के क्यूब को लिखेंगे एज इट इज़ प्लस, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे 27 आर क्यूब को लिखेंगे एज इट इज़ प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 9 आर स्क्वायर होगा 27 आर स्क्वायर, 27 आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के से तो हमें मिलेगा 54 आर स्क्वायर के प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 9 आर मल्टीप्लाई 4 के स्क्वायर होगा 36 आर के स्क्वायर प्लस 8 के क्यूब को लिखेंगे एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब इस स्टेप में हमें स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो इस फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे हम एज इट इज़, 27 आर क्यूब माइनस 54 आर स्क्वायर के प्लस 36 आर के स्क्वायर माइनस 8 के क्यूब। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर साइन है प्लस की, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर के टर्म से तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म की साइन चेंज नहीं होंगी, तो इस कंडीशन में हमें जो ब्रैकेट के अंदर के टर्म है उन्हें एज इट इज़ लिखना है। तो लिखेंगे प्लस 27 आर क्यूब प्लस 54 आर स्क्वायर के प्लस 36 आर के स्क्वायर प्लस 8 के क्यूब। अब हमें ऐसे सेम टर्म फाइंड करने हैं जिनकी साइन अपोजिट है, ऐसे सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो ये है माइनस 54 आर स्क्वायर के और ये है प्लस 54 आर स्क्वायर के, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह माइनस 8 के क्यूब और प्लस 8 के क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचे हुए सेम टर्म को हम ऐड करेंगे तो ये है प्लस 27 आर क्यूब और ये है 27 आर क्यूब, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 54 आर क्यूब। इसी तरह प्लस 36 आर के स्क्वायर और प्लस 36 आर के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 72 आर के स्क्वायर। तो इस तरह हमारा ये मिला हमें फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 4a माइनस 3 होल क्यूब माइनस 4a प्लस 3 होल क्यूब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन दोनों फार्मूले का। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले का, a माइनस b होल क्यूब। फार्मूले के जो टर्म है a और b, इन्हें क्वेश्चन के टर्म से मैप कर लेंगे, 4a होगा a और 3 होगा b। अब इन्हें फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a क्यूब की जगह लिखेंगे 4a होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a की वैल्यू है 4a, लिखेंगे 4a होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, b की वैल्यू है 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई a, a की वैल्यू है 4a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, b की वैल्यू है 3, लिखेंगे 3 होल स्क्वायर माइनस b क्यूब, b की वैल्यू है 3, लिखेंगे 3 होल क्यूब। दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन है माइनस की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। सेकेंड ब्रैकेट को शुरू करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का, a प्लस बी होल क्यूब। फार्मूले के जो टर्म है a और b, इन्हें क्वेश्चन के टर्म से मैप कर लेंगे, 4a होगा a और 3 होगा b। अब इन्हें फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a क्यूब की जगह लिखेंगे 4a होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, a की वैल्यू है 4a, लिखेंगे 4a होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, b की वैल्यू है 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई a
ए की वैल्यू है 4a मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 3, लिखेंगे 3 होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी की वैल्यू है 3, लिखेंगे 3 होल क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 4a होल क्यूब को सॉल्व करेंगे यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 4 4 16, 16 4 64। इसी तरह a को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो हमें मिलेगा a क्यूब माइनस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को लिखेंगे एज इट इज़ मल्टीप्लाई, 4a होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 4 4 16। इसी तरह a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4a होगा 12a मल्टीप्लाई, 3 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 3 3 9 माइनस, इसी तरह 3 क्यूब को सॉल्व करेंगे यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 3 3 9, 9 3 27 माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4a होल क्यूब को सॉल्व करेंगे यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 4 4 16, 16 4 64। इसी तरह a को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो हमें मिलेगा a क्यूब प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को लिखेंगे एज इट इज़ मल्टीप्लाई, 4a होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 4 4 16। इसी तरह a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमें मिलेगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4a होगा 12a मल्टीप्लाई, 3 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 3 3 9 प्लस, 3 क्यूब को सॉल्व करेंगे यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 3 3 9, 9 3 27, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 64a क्यूब को लिखेंगे एज इट इज़ माइनस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 16a स्क्वायर होगा 48a स्क्वायर, 48a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 144a स्क्वायर प्लस, 12a मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 108a माइनस, 27 को लिखेंगे एज इट इज़ माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 64a क्यूब को लिखेंगे एज इट इज़ प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 16a स्क्वायर होगा 48a स्क्वायर, 48a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 144a स्क्वायर प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 12a मल्टीप्लाई बाय 9 होगा 108a प्लस, 27 को लिखेंगे एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो इस फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे एज इट इज़, 64a क्यूब माइनस 144a स्क्वायर प्लस 108a माइनस 27। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस की, जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म की साइन चेंज हो जाएगी यानी प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसे यहाँ पर समझते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 64a क्यूब से तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, हमें आंसर मिलेगा माइनस 64a क्यूब। इसी तरह माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 144a स्क्वायर से, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, हमें आंसर मिलेगा माइनस 144a स्क्वायर। इसी तरह माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 108 से तो हमें माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो हमें आंसर मिलेगा माइनस 108a। इसी तरह माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 27 से, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, हमें आंसर मिलेगा माइनस 27। इस तरह हमारा स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब हमें ऐसे सेम टर्म फाइंड करने हैं जिनकी साइन अपोजिट है, ऐसे सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर है प्लस 64a क्यूब और ये है माइनस 64a क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह प्लस 108a और माइनस 108a, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचे हुए टर्म को हम ऐड करेंगे, ये है माइनस 144a स्क्वायर और ये है माइनस 144a स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें आंसर मिलेगा माइनस 288a स्क्वायर। इसी तरह माइनस 27 और माइनस 27 को ऐड करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमें आंसर मिलेगा माइनस 54। ये है हमारा फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन,
5x माइनस 7y होल क्यूब प्लस 5x प्लस 7y होल क्यूब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन दोनों फॉर्मूले का। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का, a माइनस बी होल क्यूब। फॉर्मूले के जो टर्म है a और b, इन्हें क्वेश्चन के टर्म से मैप कर लेंगे। 5x होगा a और 7y होगा b। अब इन्हें फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, ए क्यूब की जगह लिखेंगे 5x होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 5x, लिखेंगे 5x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, बी की वैल्यू है 7y, प्लस 3 मल्टीप्लाई ए, ए की वैल्यू है 5x मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 7y, लिखेंगे 7y होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब, बी की वैल्यू है 7y, लिखेंगे 7y होल क्यूब। दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन है प्लस की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। सेकेंड ब्रैकेट को शुरू करने से पहले लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का, ए प्लस बी होल क्यूब। फॉर्मूले के जो टर्म है ए और बी, इन्हें क्वेश्चन के टर्म से मैप कर लेंगे। 5x होगा ए और 7y होगा बी। अब इन्हें फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे, ए क्यूब की जगह लिखेंगे 5x होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 5x, लिखेंगे 5x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, बी की वैल्यू है 7y, प्लस 3 मल्टीप्लाई ए, ए की वैल्यू है 5x मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 7y, लिखेंगे 7y होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी की वैल्यू है 7y, लिखेंगे 7y होल क्यूब। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 5x होल क्यूब को सॉल्व करेंगे, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। 5 5 25, 25 5 125। इसी तरह x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो हमें मिलेगा x क्यूब माइनस। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को लिखेंगे एज इट इज मल्टीप्लाई, 5x होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। 5 5 25। इसी तरह x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7y को लिखेंगे एज इट इज प्लस। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5x होगा 15x मल्टीप्लाई 7y होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। 7 7 जा 49। इसी तरह y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर माइनस 7y होल क्यूब को सॉल्व करेंगे, यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। 7 7 जा 49, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमें मिलेगा 343। इसी तरह y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो हमें मिलेगा y क्यूब प्लस। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5x होल क्यूब को सॉल्व करेंगे, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। 5 5 25, 25 5 125। इसी तरह x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो हमें मिलेगा x क्यूब प्लस। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को लिखेंगे एज इट इज मल्टीप्लाई, 5x होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। 5 5 25। इसी तरह x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7y को लिखेंगे एज इट इज प्लस। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5x होगा 15x मल्टीप्लाई 7y होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। 7 7 जा 49। इसी तरह y को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर प्लस 7y होल क्यूब को सॉल्व करेंगे, यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। 7 7 जा 49, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमें मिलेगा 343। इसी तरह y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो हमें मिलेगा y क्यूब। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 125x क्यूब को लिखेंगे एज इट इज माइनस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 25x स्क्वायर होगा 75x स्क्वायर। 75x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 7y से, तो हमें आंसर मिलेगा 525x स्क्वायर y प्लस। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 15x मल्टीप्लाई बाय 49y स्क्वायर, हमें आंसर मिलेगा 735x y स्क्वायर माइनस 343y क्यूब को लिखेंगे एज इट इज प्लस। स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 125x क्यूब को लिखेंगे एज इट इज प्लस। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 25x स्क्वायर होगा 75x स्क्वायर। 75x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 7y से, तो हमें आंसर मिलेगा 525
एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 15x मल्टीप्लाई बाय 49y स्क्वायर, हमें आंसर मिलेगा 735xy स्क्वायर प्लस 343y क्यूब को लिखेंगे हम एज इट इज और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करना है तो हमें इस फर्स्ट पार्ट को लिखना है एज इट इज, 125x क्यूब माइनस 525x स्क्वायर वाई प्लस 735xy स्क्वायर माइनस 343y क्यूब। यहाँ पर साइन है प्लस की और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर के टर्म से तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म की साइन चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट को रिमूव करना है और ब्रैकेट के अंदर के टर्म को एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 125x क्यूब प्लस 525x स्क्वायर वाई प्लस 735xy स्क्वायर प्लस 343y क्यूब। तो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब हमें ऐसे सेम टर्म फाइंड करने हैं जिनकी साइन अपोजिट है, ऐसे सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर है माइनस 525x स्क्वायर वाई और यहाँ पर है प्लस 525x स्क्वायर वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह माइनस 343y क्यूब और प्लस 343y क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचे हुए टर्म को हम ऐड करेंगे तो ये है 125x क्यूब प्लस 125x क्यूब, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 250x क्यूब। इसी तरह प्लस 735xy स्क्वायर और प्लस 735xy स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा प्लस 1470xy स्क्वायर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले।